11 वर्षों से छिंदवाड़ा सौंसर पांडुर्ना के होनहार विद्यार्थियों की पहली पसंद रही सबसे प्रसिद्ध मिडास कोचिंग संस्था अब पांडुर्ना में शुरू हो चुकी है। IIT, JEE और नीट मेडिकल परीक्षा में अपने परिणामों के लिए पहचाने जाने वाली एकमात्र संस्था जिसमें हर साल 15 से 20 बच्चों को IIT, IIIT, NIT, आइजर, IIST जैसे बड़े बड़े संस्थानों में चयन होता आया है। MBBS, BDS, BAMS, BHMS जैसे बड़े संस्थानों में चयन कराने वाली एकमात्र संस्था जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कोचिंग पढ़ाई जाएगी। पांडुर्ना में कक्षा 8वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मिडास कोचिंग संस्थान का एक महीने का फ्री समर कैंप शुरू हो चुका है। प्रवेश पाने और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7004455253 पर। शुक्रवार को घोगरी शाहनी के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण गांव की बेटी कुंदापति रमेश मरसकोले को न्याय दिलाने SDM कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर अजय देव शर्मा को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कुंदा की माता सीताराम उइके उम्र 76 वर्ष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने 20 लाख रुपए कीमत की 4 एकड़ खेती सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीद ली। कुंदा सीता उइके की इकलौती बेटी है और गांव में ही रहती है। यह बात खरीदारों को भी पता है लेकिन खरीदी की पूरी बात छिपा कर रखी गई और बेटी को इसकी खेती का हिस्सा नहीं दिया गया। गांव के सरपंच विनोद धुर्वे, उपसरपंच अशोक घाटे, पूर्व उपसरपंच भगवान शिंदे, भावराव महाजन, भावराव धुर्वे, पंडरी बागड़े, पंडरी कुमरे, जुन आहके, दीवान लाला आहके, पुंडलिक कुमरे ने कलेक्टर को पूरे मामले की हकीकत बताई। मेरी मम्मी खेत में बेच दिया उसको वारसन नहीं कोने ऐसे आपकी मम्मी का खेत अच्छा आनम खेत में गए थे तो वो बोल रहे थे तेरे नाम नहीं है ऐसे बोल रहे थे। जमीन तुम्हारे नाम नहीं है हाँ। ये कब हुआ ये सब ये पिछले महीने हुआ है। आपको अभी पता चला है अभी पता है। कितनी एकड़ जमीन है? चार एकड़ है। कहाँ पर? घोगरी। कलेक्टर ने तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए है। शहर में साप्ताहिक बाजार में खुले में मांस बेचने वालों के विरुद्ध नगरपालिका ने कार्रवाई की। दुकानदारों को शासन के आदेश का पालन करने के लिए कहा। शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार का निरीक्षण करने CMO नितिन बिजवे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक संजय कवड़े, उप निरीक्षक रवि चौधरी, सफाई दरोगा दिलीप बारबुआरे, गोपी तेजी, दिलीप सारसार और अमला पहुंचा था। यहां निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा मांस को खुले में बेचा जा रहा था और गंदगी फैलाई जा रही थी जिससे शासन के आदेशों की अवहेलना होती मिली। इस पर 10 मांस मछली विक्रेताओं पर 100-100 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार पांडुर्ना। पांडुर्ना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे पांडुर्ना।